Ladies and gentlemen and the students of business, I have a big news for you. Reliance Industries, headed by Mukesh Ambani, is actually planning to launch a super app in India. और वो सुपर ऐप का वही बिजनेस मॉडल रहने वाला है जो कि ज्यादातर सुपर ऐप्स का रहता है कि वो बेसिकली एक ऐप के अंडर अपने सारी सर्विसेज अक्रॉस ऑल द डोमेन्स को इंटीग्रेट करके मार्केट में लाने वाले हैं ताकि ऐप पर ज्यादा यूजर्स बढ़ सके, रेवेन्यू बढ़ सके, कंपनी को ओवरऑल हर सेगमेंट में बेनिफिट मिल सके और अल्टीमेटली यूजर्स को मार्केट में जो इतने सारे ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं उससे हटाकर रिलायंस अपने पास ला सके। बिफोर आई प्रोसीड विद दिस वीडियो, लेट मी टेल यू कि सुपर ऐप एग्जैक्ट होती क्या है। ये सुपर एप्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली चाइना से निकलता है। चाइना में एक कंपनी है जिसका नाम है WeChat। WeChat एक ऐसी कंपनी है जो कि स्टार्ट तो एक WhatsApp की तरह एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से हुई थी, लेकिन आज की डेट में आप WeChat से हर सेगमेंट कर सकते हैं। का मतलब WeChat से ही आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, WeChat पे आपको फाइनेंशियल सर्विसेज भी मिल जाएंगी, WeChat से आप ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। का मतलब सिंपल टर्म्स में ये हो गया कि जैसे अभी आपको Paytm दिखाई देता है कि Paytm में आपको हजारों सर्विसेज एक ऐप के अंडर दिखती हैं, वही होती है एक तरीके से सुपर ऐप। लेकिन गाइस एक पॉइंट है कि आज तक इंडिया में कभी भी कोई सुपर ऐप आज तक सक्सेसफुल नहीं हुई। इनफैक्ट रिसेंटली लास्ट कपल ऑफ इयर्स में एक सुपर ऐप निकल कर आई थी टाटा के नाम से, टाटा नियो के नाम से। आप सबने देखा होगा कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आए थे लास्ट IPL में। टाटा नियो के नाम से अपनी एक सुपर ऐप लॉन्च करी थी और उन्होंने अपनी सारी सर्विसेज अक्रॉस ऑल द डोमेन्स जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे एक ऐप में कंसोलिडेट एग्रीगेट करके मार्केट में निकाला था और वो ऐप भी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। इनफैक्ट कंपनी का ही ये स्टेटमेंट आया था कि कंपनी जो सक्सेस रेट, जो ग्रोथ रेट और जो यूजर रेट देख रही थी वो अचीव एक्चुअली में नहीं हो पाया। इनफैक्ट मार्केट में एक और न्यूज बहुत बड़ी आई थी कि इनफैक्ट अडानी, एग्जैक्टली अडानी ग्रुप वॉज ऑल्सो प्लानिंग, इज ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च अ सुपर ऐप कि मार्केट में अडानी की जितनी सर्विसेज और जितने बिजनेसेस हैं सबको एक ऐप के अंडर लाकर वो मार्केट में निकाल सके। अब रिलायंस का यहां पर यह है कि रिलायंस, हम सबको पता है कि रिलायंस हमारे सुबह से लेकर रात तक के पूरे लाइफस्टाइल में हम जितने ब्रांड्स और जितनी सर्विसेज कंज्यूम करते हैं ज्यादातर उसमें से रिलायंस की होती हैं। तो रिलायंस के पास ऑब्वियसली बात है मल्टीपल ब्रांड्स का नेटवर्क है, मल्टीपल सर्विसेज का नेटवर्क है और उससे भी बहुत बड़ी बात कि रिलायंस ने अभी रिसेंटली आपको पता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से कंपनी लॉन्च करी। वो कंपनी का डीमर्जर था एक तरीके से और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट में फाइनेंशियल सर्विसेज के सेगमेंट में आने वाली है बहुत बड़े लेवल पर। तो यहां पर सुपर ऐप जो डेवलप हो रही है उसका मुद्दा शायद से ये हो सकता है कि जियो प्लान कर रहा है, रिलायंस प्लान कर रहा है कि अपने फाइनेंशियल सर्विसेज के सेगमेंट को, कंज्यूमर लेंडिंग, क्रेडिट कार्ड्स के सेगमेंट को तो बूम करे ही करे, प्लस जो और सेगमेंट्स हैं उसके, जो और कंपनीज हैं उसकी, उसको भी एक्चुअली में बूम मिल सके। आज तक जो इंडिया के सेंटीमेंट्स रहे हैं सुपर ऐप को लेके वो कभी भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। व्हाई? बिकॉज इंडियंस हैव दिस मेंटालिटी कि इंडियंस ज्यादातर एक प्लेटफॉर्म पर पसंद नहीं करते कि हर चीज हो। सुपर ऐप का मुद्दा ये होता है कि सुपर ऐप मेक्स इट कन्वीनियंट फॉर यू कि आप सारी चीजें एक ऐप पर ले सकते हैं। बट इंडियंस का ज्यादातर सेंटीमेंट ये होता है कि हम अगर खाना मंगा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम खाना जोमैटो से ही मंगाएं क्योंकि हमारे दिमाग में जोमैटो की वैल्यू फिक्स आउट हो चुकी है। अगर हम ग्रोसरीज ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारे पास ग्रोसरीज के ऑलरेडी स्टार्टअप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिग बास्केट, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट, तो हम पसंद करेंगे कि हम अपने ग्रोसरीज उसी से मंगवाएं, ना कि हम जियो का जो जियो मार्ट है उससे मंगवाएं। द पॉइंट इज कि इंडिया में ये सारी की सारी सर्विसेज एग्रीगेट करना एक प्लेटफॉर्म पर आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया और जितना मेरा रिसर्च है सबसे ज्यादा क्लोज एक सुपर ऐप बनाने के शायद से Paytm आया है। Paytm का हम सबको पता है कि Paytm की ऐप अपने आप में एक सुपर ऐप की तरह है जहां पर आप मूवी टिकट्स बुक कर सकते हैं, लॉट ऑफ स्टफ, राइट? यू गाइस हैव यूज्ड इट। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से कि सबसे नियरेस्ट जो सुपर ऐप की तरफ आया है वो आया है Paytm। अब यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि क्या रिलायंस एक्चुअली में, क्योंकि रिलायंस को ना इंडियन कंज्यूमर्स की नब्स तो पता है, उनको पता है अच्छे से कि इंडियन कंज्यूमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है और क्या करना है इंडियन कंज्यूमर्स को धंधा करने के लिए, कैसे ट्रीट करना है। तो अगर रिलायंस ब्रेक कर पाता है सुपर ऐप का मार्केट इंडिया में तो एक्चुअली रिलायंस कैन एस्टैब्लिश अ मोनोपोली इन द सुपर ऐप मार्केट ऑफ इंडिया और बहुत जल्दी हो सकता है कि हमें अडानी जी की भी सुपर ऐप देखने को मिले। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप ये देखिए कि सुपर ऐप के मार्केट में तीन बड़े प्लेयर्स, टाटा, अंबानी एंड अडानी, कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे से अक्रॉस ऑल द बिजनेस सेगमेंट्स। और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट, जब इतने प्लेयर्स, इतने बड़े प्लेयर्स मार्केट में कॉम्पीट करते हैं ना, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कंज्यूमर्स को। आप
मुझे बताओ, क्या आप एक सुपर ऐप को यूज करना प्रेफर करोगे? क्या आप पेटीएम पर सारी ट्रांजैक्शंस अक्रॉस एवरीथिंग करते हो? पेटीएम पर करने को तो पेटीएम पर ई कॉमर्स भी होता है पेटीएम मॉल के नाम से, बट क्या आपने कभी पेटीएम पर सामान खरीदा है? पेटीएम इज जनरली यूज टू मेक यूपीआई पेमेंट्स एंड मोबाइल रिचार्जेस, राइट? तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में कोई सुपर ऐप सक्सेसफुल हो सकती है एज पर द इंडियन सेंटीमेंट्स? डू कॉमेंट ऑन योर एनालिसिस एंड लेट मी नो. This was Shaurya Kaushik signing off from today's video. अगर आपको ऐसी ही case studies और देखनी है तो please like the video, subscribe to the channel, hit the bell icon ताकि ऐसी बहुत सारी business and finance case studies आपके notifications पर आ सके. This was Shaurya Kaushik signing off from today's video. I'll see you guys in another case study very soon. Till then, take care, stay tuned, bye bye.